गाइस वेलकम टू आवर चैनल, आई एम पिंकी, पिंकी मेकअप आर्टिस्ट है। आप सब कैसे हो? दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताने वाली हूँ और आपको लिख के दिखाने वाली हूँ, लिख के समझाने वाली हूँ कि आप लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है। आप लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि मतलब मेकअप से पहले आपको क्या यूज करना है, मेकअप के बाद क्या यूज करना, मतलब आपको स्टेप में कंफ्यूजन रहता है कि पहले क्या यूज करना है, बाद में क्या यूज करना है, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो वो मैं आज आपको क्लियर करके दिखाने वाली हूँ कि आपको सबसे पहले क्या यूज करना है, फिर क्या यूज करना है, फिर क्या यूज करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज क्लियर बताने वाली हूँ, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। प्लस पर आपको ध्यान रखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी वीडियो को, अगर स्किप कर दे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। CTM का फुल फॉर्म होता है फ्लीजिंग। तो CTM का फुल फॉर्म होता है क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर। क्लींजिंग में आप दो चीज यूज कर सकते हो, पहला फेस वॉश यूज कर सकते हो और सेकंड आप क्लींजिंग मिल्क यूज कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक यूज करना है। आप इन दोनों से एक चीज यूज कर सकते हो, अगर आप फेस वॉश करते हो वो भी क्लींजिंग का काम करता है, तो क्लींजिंग मिल्क भी यूज कर सकते हो। इसमें टोनर आपके बहुत ज्यादा वैरायटी आती है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी जब मैं आपको टोनर दिखा दूंगी। और आप मॉइस्चराइजर, आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर ले सकते हो, आप जो कोई क्रीम यूज करते हो वो भी ले सकते हो और मॉइस्चराइजर अच्छा सा ले सकते हो आप। उसके बाद क्या यूज होता है? प्राइमर। प्राइमर इसके बाद, प्राइमर के बाद हम क्या यूज करते हैं? हम पहले कलर करेक्शन करेंगे। कलर करेक्शन क्या होता है? पिगमेंटेशन होती है हमारे, डार्क स्पॉट्स होते हैं जो एरिया होता है, जैसे मेरा ये ब्लैक ब्लैक एरिया है, अंडर आईज का ब्लैक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कलर करेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो हम कलर करेक्शन करें, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर, ये नहीं कर सकते स्किप, कोई भी मेकअप करो आप, ठीक है। उसके बाद हम कलर करेक्शन करते हैं। किसी को नीड है तो आप कीजिए, नहीं है तो मत कीजिएगा, वैसे ज्यादातर सबको नीड ही होती है, तो आपको कलर करेक्शन करना है। उसके बाद आपको फाउंडेशन यूज करना है। फाउंडेशन यूज करना है। फाउंडेशन के बाद हम कंसीलर हाईलाइट यूज करते हैं। कंसीलर हाईलाइट है इसका क्या है? जो हम कंसीलर लेते हैं वो लाइट कलर का लेते हैं, तो वो कंसीलर हाईलाइट का काम करता है। वो मैं आपको मेकअप करूंगी, जो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बता रही हूँ। कल वाला जो आएगा वीडियो उसको जरूर देखना, उसमें मैं आपको मेकअप करके बताऊंगी, तो उसमें पूरा डिटेल अच्छे से आपको समझा दूंगी। तो इसके बाद हम कंसीलर हाईलाइट करते हैं। कंसीलर हाईलाइट के बाद हम कंटूर करते हैं। कंटूर यूज करते हैं। कंटूर के बाद हम ब्लशर यूज करते हैं। ब्लश यूज करते हैं। ब्लश के बाद हम हाइलाइटर यूज करेंगे। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप हो गया, मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया, मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप होता है, हम कोई भी मेकअप करते हैं, कोई भी मेकअप, हल्दी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, लाइट, कोई भी मेकअप हो, स्टेप बाय स्टेप यही रहती है। हम जो टेक्निक होता है हमारा वो यही होता है, यही टेक्निक। अगर आप इस टेक्निक से मेकअप करते हो तो आपका मेकअप बहुत अच्छे जाने वाला है, प्रोफेशनल मेकअप आएगा आपका। और मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले हम CTM करते हैं। CTM का फुल फॉर्म होता है क्लींजिंग टोनर द
एंड मॉइस्चराइजर, ये हमारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। क्लीजिंग में आप फेस वॉश ले सकते हो, क्लीजिंग मिल्क भी ले सकते हो। टोनर के बहुत सारी वैरायटी होती है, मैं मेकअप करके बताऊंगी तब आपको समझा दूंगी अच्छे से। और मॉइस्चराइजर यूज करते हैं वो हम अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लेंगे। और प्राइमर, ये जो चार स्टेप है, आपका कोई भी मेकअप हो, आप समझ लो आपका कोई भी मेकअप हो, ये चार स्टेप आपको करने ही करने हैं। ये चार जो स्टेप है ये आपको करने ही करने हैं, आपका कोई भी मेकअप हो, ठीक है, तो आपको ये करने होते हैं। फिर उसके बाद हम कलर करेक्शन करते हैं किसी की नीड हो। जैसे मैंने आपको बताया पिगमेंटेशन होती है, पिंपल्स के निशान होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, और अंडर आइज के जैसे हमारा ब्लैक एरिया होता है, तो ऐसे उसमें हम कलर करेक्शन करते हैं। देन फाउंडेशन यूज करेंगे, उसके बाद हम कंसीलर हाईलाइट यूज करते हैं। कंसीलर हाईलाइट क्या होता है, जो हमारा कंसीलर होता है वो लाइट कलर का होता है, जो हमारे दबे हुए पार्ट्स होते हैं उनको उभारता है, ठीक है। और मैं आपको जब मेकअप करके दिखाऊंगी तो उसमें आपको अच्छे से और डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद कंसीलर हाईलाइट के बाद हम कंटूर करते हैं, कंटूर के बाद ब्लश करेंगे, ब्लश के बाद हाईलाइट करेंगे, ठीक है। आज मैंने आपको अच्छे से समझा दिया स्टेप बाय स्टेप, जो हमारा प्रोफेशनल होता है टेक्निक होती है, हमारी टेक्निक यही होती है, स्टेप बाय स्टेप हमें करना होता है। आई होप आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई, आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर मुझे लगा कि कमेंट पर रिप्लाई कर सकती हूँ तो मैं करूंगी, अगर नहीं कर पाऊंगी तो मैं आपको जो नेक्स्ट मेकअप करके बताने वाली हूँ उसको मैं उसमें आपको अच्छे से और समझा दूंगी, ठीक है। और आपका अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को जरूर बताना, मैं उसमें आपका क्लियर करूंगी कंफ्यूजन। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, इसके बाद जो आने वाली है वो मेकअप की आने वाली है, मैं आपको मेकअप करके दिखाऊंगी, जो मैंने आपको लिख के दिया है वही मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। अब मैं जैसे लिखा है तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या आप साथ ही साथ राइट करने जाना, लिखते जाना, क्योंकि अगर आप लिखते जाते हो ना तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप ना आप अच्छे से याद कर लेना। मैं मेकअप क्लास स्टार्ट की, आपको पता ही है मैं वीडियो आपको सिर्फ मेकअप करके दिखा रही थी, मेरे को लगा कि क्यों ना मैं आपको लिख के पहले समझाऊं फिर वो आपको करके दिखाऊं, तो शायद आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अगर मैं आपको मेकअप करती दिखाऊंगी, करती जाऊंगी आई थिंक आपको नहीं समझ में आए, तो मैंने ये सोचा है कि मैं पहले आपको लिख के समझा देती हूँ, फिर आपको पहले लिखूंगी फिर आपको वो चीज करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। और आप बताना ये तरीका कैसा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं जो आगे की जो वीडियो लाऊंगी वो ऐसे ही लेके आऊंगी। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि मैं मेकअप ही मेकअप करती जाऊँ तो आप मेरे को वो भी कमेंट में बताना, और आप चाहते हो कि मैं आपको लिख के दिखाऊं फिर आपको करके दिखाऊं तो मैं आपको वो भी बताना, मैं आप जैसे बोलोगे मैं उसी हिसाब से आपको क्लास कराती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।